तो हेलो फ्रेंड्स, हाय। टुडे वी गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट ए ब्रोकन नोज राइनोप्लास्टी। सो वी डिस्कस व्हाट इज़ द ब्रोकन नोज राइनोप्लास्टी। ये जो पेशेंट है इनको बेसिकली सी हैव ए ट्रॉमा ऑन द 6 मंथ बिफोर, एंड ट्रॉमा के बाद में इनका जो नोज है वो बेसिकली डेविएटेड हो गया, वो एक तरफ नोज डेविएटेड हो गया। सो दैट इज़ द ब्रोकन नोज, नोज इज़ ब्रोकन बाई ट्रामा। सो इसमें देखते हैं, आपको एक पैकिंग फोर्सेप्स देना। आई शो यू द नोज ऑफ दैट पेशेंट। सो इसमें ये नोज इनका जो है आफ्टर द ट्रामा, ये नोज में बैंड आ गया है। दिस इज़ द ब्रोकन नोज राइनोप्लास्टी, बिकॉज ये जो है ये स्ट्रेट, आइडियली इट शुड बी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट होना चाहिए। सो ये इसके अंदर बैंड आ गया, एंड अगर नोज का आगे का पार्ट है ये भी इनका जो है वो आगे आ रखा है। जैसे अगर हम ये देखते हैं तो ये एग्जैक्ट मिड लाइन में नहीं है, ये यहाँ पे आ रखा है। सो इनको बेसिकली नोज के अंदर दोनों प्रॉब्लम है, रिगार्डिंग द ब्लॉकेज एंड रिगार्डिंग द लुकिंग। सो दिस इज़ द ब्रोकन नोज राइनोप्लास्टी। हम इसमें बेसिकली जो ये नोज का डेविएशन है इसको स्ट्रेट करेंगे, एंड जो नोज का जो ब्लॉकेज है वो नोज ब्लॉकेज फ्री बेसिकली हम इसको करेंगे। एंड मिलते हैं आपसे जब हम ब्रोकन नोज राइनोप्लास्टी कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, नाउ वी कंप्लीट और ब्रोकन नोज राइनोप्लास्टी। लुक दैट, ये जो नोज है जब प्रीवियस जब हमने देखा था बिल्कुल डेविएटेड था, ब्रॉड था, उसमें टिप नहीं था। नाउ द लुकिंग ऑफ द नोज इज़ ब्यूटीफुल। टिप जो है नोज का वो बड़ा हो गया, प्रोजेक्टेड है, एंड जो ये नोज जो डेविएटेड था नोज स्ट्रेट हो गया। हमने जो नोज के अंदर जो इसका जो डेविएटेड पार्ट था जो ट्रॉमा के कारण, उसको क्या स्ट्रेट किया है और टिप को नैरो किया है, एंड नाउ वी हैव ए वेरी एलिगेंट ब्यूटीफुल नोज। सो दिस इज़ द ब्रोकन नोज राइनोप्लास्टी। अगर किसी आप में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है या किसी फ्रेंड्स या फैमिली को, देन डेफिनेटली यू कैन करेक्ट, बिकॉज ये ठीक हो सकता है। इसमें कहीं पे भी बाहर से कोई इंसिजन या बाहर से कोई ऐसा पेशेंट को निशान नहीं आता। ये जो सूचर्स हैं ये आफ्टर 10 डेज हम रिमूव करेंगे, उसके बाद कहीं पे भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता कि कहीं पे कोई बाहर निशान आता है। जस्ट अभी नोज पे एक प्लास्टर लगाएंगे एंड देन वी फिनिश द केस। थैंक यू।